अभी तो सोनिया गांधी जी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जो पिछड़ा सभा से आती है, एक महिला को मौका दिया राज्यसभा में। देखिए, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गई है और बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशीला देवी, ये दो उम्मीदवार जो है उन्होंने नामकरण किया है। आपको बता दें, इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं और दोनों को बधाइयां भी दी हैं। वहीं केंद्र सरकार में बैठे तमाम जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री हों या अमित शाह, इन तमाम लोगों को सम्राट चौधरी ने धन्यवाद दिया है कि पिछड़ा समाज से आने वाले भीम सिंह और कहा जाए तो धर्मशीला देवी, दोनों को उन्होंने मौका दिया है। वहीं सोनिया गांधी के सवाल पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। बताया जाए कि सोनिया गांधी भी अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के लिए गई हैं। वहीं उन्होंने इस पर भी कहा है कि अभी तो सिर्फ सोनिया गांधी ही गई हैं, राहुल गांधी भी जल्द जाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए, बिहार की राजनीति तो आप लोग जान ही रहे होंगे किस तरीके से कुछ दिनों पहले सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो विपक्ष में एनडीए थी वो अब सत्ता में आ गई और महागठबंधन अब विपक्ष के भूमिका में जो है वो हो गया। वहीं अब राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उसके बाद जो है नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और कांग्रेस के कई जो नेता हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, वहीं जदयू के संजय झा हो और कई नेता जो हैं उन्होंने नामकरण किया है। वहीं बीजेपी के जो नामकरण है वो भीम सिंह और धर्मशीला देवी, ये दोनों ने जो है वो नामकरण किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता वहाँ पहुँचे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस मौके पर पहुँचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप सुने। दो कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास आगे करना पड़ेगा। डॉक्टर भीम सिंह जी पकड़े हुए, दोनों हाथ फैलाए, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं नीचे लाइए, और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जो अति पिछड़ा समाज से आती है, एक महिला को मौका दिया राज्यसभा में सांसद के तौर पर। पार्टी के नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बार राज्यसभा जाना पड़ रहा है, जाना ही पड़ेगा। अभी तो सोनिया गांधी जी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से सम्राट चौधरी काफी खुश हैं और वहीं सोनिया गांधी पर उन्होंने भी तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ सोनिया गांधी ही गई हैं, जल्द राहुल गांधी भी जाएंगे और चिंता मत कीजिए और अब आगे देखिएगा क्या क्या होगा। वहीं उन्होंने सिर्फ नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया है, कहा है कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों को इस बार जो है राज्यसभा में मौका मिला है तो हम काफ़ी खुश हैं और धन्यवाद देते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।